हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम सीखने जा रहे हैं एमआरआई ब्रेन का फिल्मिंग। फिल्मिंग कैसे होता है? ये 1.5 टेस्ला जीई का मशीन है, वीवो MR355, और ये है वर्क स्टेशन, एडवांटेज वर्क स्टेशन 4.6 वर्जन। ओके, इसके ऊपर आज मैं बताने जा रहा हूँ एमआरआई ब्रेन का फिल्मिंग। सबसे पहले तो सीक्वेंस देख लेते हैं। कोरोनल फ्लेयर है, एक्सेल T2, डिफ्यूजन T1 वेटेड, ग्रेडियंट सजाइटल T2 एंड एक्सेल फ्लेयर। ओके, इतना तो बेसिक लिया है। सपोज एक्यूट इन्फार्क्ट है तो ADC बना लेना। ओके, अभी रूटीन प्रोटोकॉल बता रहा हूँ कि कोई कोई इंस्टीट्यूट में एक सीक्वेंस के लिए पूरा एक फिल्म देते हैं। ओके, तो वैसा करना हो तो सबसे पहले वैसा बता रहा हूँ। ओके, तो बेसिक रूटीनली क्या होता है कि 20 इमेजेस तो रूटीनली लेते हैं। ये वर्क स्टेशन पर फिल्मिंग करना हो तो इसके ऊपर पहले क्लिक कर दो, फिर F4 दबाना और प्रिंट। तो ये डायरेक्ट से यहाँ पे ये विंडो में आ जाएगा। ओके, इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। वैसे ही सेम इसके ये विंडो पे क्लिक किया, F4 दबाना, यहाँ से प्रिंट का ऑप्शन T2 चला गया। ओके, फिर डिफ्यूजन पे क्लिक करना, आप इसको किया, ये भी 20 फॉर्मेट यहाँ पे जा रहा है। ठीक है, ये T1 सेम ये यहाँ पे F4 दबा के करोगे एडवांटेज वर्क स्टेशन में तो डायरेक्ट चला जाएगा। फिर ग्रेडियंट पे क्लिक किया, प्रिंट चला गया सैज T2। अभी रूटीनली ऐसे करना हो कि आपको पर सीक्वेंस एक फिल्म देना है तो 20 का फॉर्मेट है, फिर उसको डबल क्लिक किया, इसको जूम कर दिया, इतना जूम करना। ओके, ज्यादा जूम मत करना नहीं तो कट जाएगा। थोड़ा विंडो सेट कर देना, एक बेसिक टेक्निक बता रहा हूँ विंडो सेटिंग का। कोई भी इमेज हो तो इसके अंदर ग्रे मैटर व्हाइट मैटर डिफ्रेंशिएट करने के लिए उतना विंडो सेट कर देना आप। ठीक है, फ्लैर का हो गया, T2 पे डबल क्लिक किया, थोड़ा जूम कर देना, कट नहीं जाना चाहिए। जैसा एग रहता है ना, एग की तरह है, अंडा जिसको बोलते हैं, वो कट नहीं जाना चाहिए। देखो आप, ये कटा नहीं है, इतना जूम कर देना। डिफ्यूजन को डबल क्लिक किया, जूम किया। ओके, विंडो सेट करना, ग्रे व्हाइट मैटर डिफरेंशिएट होना चाहिए, वैसा करना, नहीं तो बहुत ब्लैक भी नहीं हो जाना चाहिए, बहुत व्हाइट भी नहीं। T1 ग्रे व्हाइट मैटर डिफरेंशिएट होना चाहिए, वैसा लेवल विंडो आप सेट कर देना। ये ग्रेडियंट आ गया, अभी सेम ग्रे व्हाइट मैटर डिफरेंशिएट होना चाहिए। ये मैंने कम लिया है क्योंकि इसमें मुझे सिर्फ सैज T2 कॉर्पस कैलोजम परफेक्ट दिखना चाहिए, इसके लिए मैंने थिन कट्स लिए ओनली फॉर कॉर्पस कैलोजम। ओके, ये अभी फिल्मिंग हो गई है। अपनी बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट रहती है उसके अंदर एक सीक्वेंस के लिए पूरा एक फिल्म दे देते हैं, तो ये अभी रूटीन हो गया एक पूरा फिल्म वाला, 6 फिल्म हो गई। ओके, अभी इसको फिल्म को आपको कट करना है। कोई कोई इंस्टीट्यूट में क्या रहता है, प्राइवेट सेक्टर में कोई भी रहता है तो कभी कभी क्या करते हैं कि मल्टी में कर देते हैं। मल्टी में करना हो तो कौन सी सीक्वेंस बड़ी देनी है वो मैं आपको अभी शो कर देता हूँ। ओके, मल्टी में करना हो तो कोरोनल फ्लेयर जो है, मैंने इसमें एक्सेल फ्लेयर भी लिया है, पर वो मैंने फिल्म में दिया नहीं है, ये सिर्फ रिपोर्टिंग के टाइम के लिए लिया है। कभी कभी पीडियाट्रिक स्कैन रहता है तो उसमें एक्सेल फ्लेयर भी देना जरूरी रहता है। ओके, अभी ये तो ये हो गया। मल्टी वाला फॉर्मेट करना हो तो उसमें 4 फिल्म बना देना आप। सबसे पहला है जो कोरोनल फ्लेयर है उसकी एक फिल्म दे देना। ओके, 20 का फॉर्मेट है, ये एक फिल्म हो गई। दूसरी फिल्म एक्सेल T2, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इसको जूम करके ही देना, मतलब एक फिल्म में पूरा। अभी मल्टी कौन सा करना है,
डिफ्यूजन के साथ आप दे देना ग्रेडियंट। तो अभी इसमें ये जो 20 का फॉर्मेट है, इसमें फर्स्ट इमेज कट कर दिया, लास्ट कट कर दिया, ओके 18 हो गया। तो मैंने 18 का फॉर्मेट बना दिया यहाँ से। तो ऊपर मैं दे दूंगा डिफ्यूजन और नीचे डिफ्यूजन के साथ मैं ऐड कर दूंगा ग्रेडियंट। तो क्या हो जाएगा कि वो मल्टी में हो जाएगा, दो फिल्म माइनस हो गए। ये मैंने वन बाय वन सिंगल सिंगल करके डाल देता हूँ, देख सकते हो कि वन बाय वन क्लिक करके मैं डाल रहा हूँ। ऐसा आप मल्टी में दे सकते हो, एक फिल्म आपकी कम हो जाएगी, दो फिल्म कम हो जाएगी। मैं देख सकते हो आप कि मैंने डिफ्यूजन के साथ में ग्रेडियंट कर दिया है। ओके, अभी T1 एक्सेल के साथ फर्स्ट इमेज कट, लास्ट इमेज कट कर दिया। ज्यादा उसमें कुछ देखने का रहता नहीं है। T1 का जूम कर दिया। T1 के साथ आप दे देना कॉर्पस कैलोसम देखने के लिए SAG T2। तो ये आपका एक चार फिल्म में हो जाएगा। सपोज आप ADC बना रहे हैं तो उसमें क्या करना है कि आपको एक फिल्म ज्यादा भी दे सकते हो और ऐड करना हो तो आप क्या कर देना कि ये जो 18:18 वाला फॉर्मेट है उसको तीन फॉर्मेट में कर देना, मतलब डिफ्यूजन, ADC और ग्रेडियंट तीन लाइन कर देना। वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो T1 के साथ हो गया T2, इसको इतना जूम कर देना, ठीक है। ये रूटीन प्रोटोकॉल हो गया, चार फिल्म में इतना एडजस्ट हो जाएगा। कोरोनल फ्लेयर 20, एक्सेल T2 20, डिफ्यूजन ग्रेडियंट 18:18, T1 एक्सेल 18, SAG T2 मैंने 12 इमेज लिया है, 15 भी ले सकते हो आप, 20 भी ले सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है। मेनली SAG T2 ये कॉर्पस कैलोसम के लिए रहता है और CV जंक्शन देखने के लिए रहता है, तो इतना इमेजेस इनफ है। ओके, ये हो गया चार प्लेट। अभी ADC इंक्लूड करना है आपको, तो इसको और छोटा फॉर्मेट कर देते हैं अपन। जो इमेज में पैथोलॉजी हो उसको मत कट कर देना, नहीं तो वो प्रॉब्लम हो सकता है। ये तीन का फॉर्मेट कर दिया। ओके, अभी यहाँ पे आप ADC डाल देना, तो डिफ्यूजन ग्रेडियंट और ADC ये भी हो गया। तो ऐसा करोगे तो भी आपकी चार प्लेट हो जाएगी, चार फिल्म्स हो गए। फ्लेयर कोरोनल एक्सेल T2 डिफ्यूजन ग्रेडियंट ADC और T1 और T2। ओके, तो मैंने आपको सब तरीके से बता दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। Thanks for watching.